अब हम चढ़ाई कर रहे हैं तुंगनाथ जी की, पांच केदार में से एक। और सुबह में 6 बजने वाले हैं। 4 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है। और ये आपको दिखाते हैं कितनी दूर है और कितना ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा मंदिर है दुनिया में। और ये देखिए, यहाँ के सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तुंगनाथ की, कितनी ऊंचाई पे है ये मंदिर। और तो ये आप पढ़ सकते हैं। और हम आगे चढ़ रहे हैं फिर। जय बाबा तुंगनाथ। देखिए अब हम थोड़ी दूरी आए हैं। कम इतबारा लीते वह गुप्त और एक कहाँ से आई फैम हंद्रा में इतरे हैं सो इतार सीढ़ी चढ़ाई है दे रॉक तुप। और 6 बज चुके हैं अभी, 10 मिनट 10 मिनट हो चुके हैं जी। देखिए वो जा रहा है, ये नीचे जा रहा है वो, देखिए ऐसे। लेकिन अच्छा ये कि सीढ़ियाँ नहीं हैं यहाँ पे, सीढ़ियाँ होंगी तो प्रॉब्लम होती। ये देखिए ऐसे ऊपर जाएंगे हम। और जो असली नज़ारा है सुबह का 6 बजे का, ये देखिए बादल, मतलब पूरे बादल नीचे पहाड़ ढके हुए हैं, लोग रह रहे हैं ऊपर, पूरे पूरे बादल हैं। और हम इस वक्त मेरे ख्याल से 2000-2500 से ऊपर हैं। और हमको ऊपर जाना है कम से कम पूरा वो जो 3700 मीटर की ऊंचाई पे। और यह है सुबह का नज़ारा। और जयंती रेडी है, थकी हुई है, लेकिन हम थोड़ा रुके हैं दिखाने के लिए। सो जय बाबा तुंगनाथ की। अब देखिए ये हम तुंगनाथ के रास्ते पे हैं। और ये बुग्याल है। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। आप भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार कहाँ से? मैं यूपी से। यूपी से। अभी हमको अरुण कुमार जी मिले हैं रास्ते में, तुंगनाथ पे जा रहे थे तो बात हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जा रहे हैं सभी। और मैं जय जो फ्रॉम आप काम करते हैं लखनऊ में? मैं जय हूँ। अच्छा जी, इंजीनियर। सही है सही है। मेरा प्रोजेक्ट है इसमें जल मिशन, जो प्रधानमंत्री जल योजना। अच्छा अच्छा ठीक है, जल योजना जो है। सही है सही है। बाबा जी के राज में सब चल रहा है? सही सब चल रहा है, है ना? सब खुश? सब खुश। सही है। और आप कहाँ इसी अभी ये तुंगनाथ तो पहले भी जा चुके हैं? मैं पहली बार केदारनाथ, पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश। अच्छा केदारनाथ ही गए हैं आप? हाँ, केदारनाथ। तो आपने बद्रीनाथ जाना है? अब तो पड़ी है, अब अगेन आएंगे तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो इतना कुछ चढ़ने का नहीं है, वो तो सीधा मंदिर है। अच्छा हाँ, अब आए हैं तो चले जाइए, मतलब ये तो एक आइडिया है, क्योंकि ये रास्ता ऐसे ही जाएगा तो दो धाम हो गए आपके। नहीं आना तो है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बट ये है कि थोड़ा सा छुट्टी भी है, एक वीक के मैंने लिया था। आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं श्रीलंका से मैं पहली बार मिला हूँ। आपको भी अच्छा लगा ऐसे बात करना, है ना? वो भी मुझे श्रीलंका में किसी व्यक्ति में मिला नहीं, मैं पहली बार। और देखिए हमने तो मिलकर शादी भी कर ली यार। हाँ अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। और मेरे ससुराल सभी वहीं हैं, वहीं रहते स्वीडन में ही। तो अच्छा है। नहीं मेरा काम अपना बिजनेस है। अभी देखिए ये बुग्याल हैं। और यहाँ पे गायें भैंसे ऐसे छोड़ देते हैं लोग, वो रह रहे हैं ऊपर। और ऐसे ये छोटा छोटा, ये देखिए पैपों से पानी जाता है नीचे, ये देखिए ऐसे ये नीचे रहते हैं, ऊपर से फ्रेश पानी ऐसे पाइप से नीचे डाल जाते हैं। और ये बुग्याल आपको दिखाने थे, हमको रास्ते में लोग मिलते हैं तो फिर उनसे बात भी हो जाती है। तो यहाँ से हम चलेंगे बाबा तुंगनाथ की तरफ, तो देखते हैं। जय बाबा तुंगनाथ। अब देखिए हम ये पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। देवी अत्यंत मैं नॉर्मल नॉन स्टैंड नहर मारे कहाँ से एनो हाल वो।
और यहाँ के बुग्याल जो आपको पहले दिखाए थे नू कहीं सी ये बुग्याल ही हैं देर नियर है फोल कमरूप पूरे इंटरार में से ना यूर उसमें बू है हेला एल पसामर में या पूरे इंटर गोड़म नियर सो अगर मूड हो तो ये ऐसे हैं देखिए अब ये बुग्यालों में ऐसे घूमते रहेंगे और खुले छोड़ देते हैं ये गाय भैंस जो भी है फिर और दूसरा ये कि तुंगनाथ का ये नज़ारा मतलब क्या बात है हम अब ऊपर हाइट पे जा रहे हैं तो इसलिए पहाड़ नहीं दिखा रहे बादल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसे और जयंती ऊपर बैठ के जा करके वो देखिए वो थोड़ा रेस्ट हो रहा है वहाँ पे तो हम रुकेंगे थोड़ा रास्ते में या कमर ये है तुंगनाथ अब देखिए थोड़ा 1.5 किलोमीटर रह गया दोबारा 1.5 किलोमीटर को और उदो थेंगते भी इतवा लेते रास्त वो यहाँ तो द्रुपित नाथ भी यहाँ देती तो थोर भी कोफ्ती है लेते बिस्किट सो तो देखिए पोला है सना कमर वो भी यह सुहैर रॉक्स को एयर घोड़े आ रहे हैं अमृत का वीसा एयर फोर्स बोर Nästan därifrån vi kommer ungefär. Så någon sommarvin. Så säger man. Check. Hämna. Dekie. Gården på kam här. Och hamare lije. Chai ban rai är. Och biskett hoja gänge namkin. Bhai sahab ko bola adka dal då. Då bola thik hai dal dete bhaiya. वो देखिए और ये ऐसे ये रास्ते में बनी हुई है बैठने के लिए सभी अपना अपना और वो देखिए पीछे में बर्फ में फलते हुए तो क्या करते नीचे जाते हो ऊपर जाते हो और ये लोग जब यहाँ बंद हो जाता है देखिए ऊपर जाना है हमको ऊपर ऐसे जाएंगे और तब ये नीचे चले जाते हैं दुकानें बंद हो जाती हैं दिस थिंग टाल थिंग सो आपने पीनी थी चाय नहीं अभी नहीं मैं जब टॉप पे पहुंचे तब पर ठीक है अभी नहीं आप पी कर रहे थे नीचे से कुछ अभी नहीं नहीं नीचे से कुछ खैर पिया नहीं था कुछ नहीं ऐसे चलना सही है सही है सही है जय तुंगनाथ बादल आ रहे हैं धुंध पड़ रही है सुबह नहीं अभी नेशनल फ्रॉम में या सख्त लिया कहूँगा मैं हैर सी है नहीं बाबा का मंदिर देखिए अभी थोड़ा दूर है लेकिन पहुंच जाएंगे अब तो जयंती वहाँ जा रही है उसके बाद में नज़दीक जा करके फिर देखें लेकिन हम पहुँच चुके हैं और वो देखिए नज़ारा वो हिमालय की पर्वत की घाटियाँ और बादलों के बीच में हम अब अगर देखें तो मतलब जो नीचे लोग हैं वो नीचे हैं हम ऊपर हैं बादलों से वी आर ओपन फॉर
monen man tänker så. Himalaya ser så här ut. Berget olika, det är olika namn på den. Så där Babatungnat, Shiv Kedar, en av Panch Kedars mandir, tempel. Och det kan jag påstå. Vi är framme. Sista stegen för templet och där ser ni Chiritungnat tempel. Och hon går 5 kilometer med Jayanti. Takriban 3 घंटे थोड़ा कम लगा लेकिन 3 लग ही गए हैं। और देखिए यहाँ लिखा है जय बाबा तुंगनाथ। और यहाँ पे जूते उतार सकते हैं आप, तब जूते उतारेंगे तो आपको फुल दर्शन बाद में। ये देखिए ये है बाबा तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ। Vi är inte säger något. Nej, vi började 10:06. Nu är vi 9:15 framme. Arbetet tvång in angel, nådka. Ippa vände 9:15. 9:15. Och det var 5 kilometer. Det var väldigt hög. Väldigt mile. Ippri på det väg. Rot. Pade vände. கொஞ்சம் மேல இப்படி இப்படி போகுது, சரியான உயரம் அங்க பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவு உயரத்துல நிக்கிற மாதிரி சொல்லி. ठीक है ले लो सो नो आई वी ओपन फॉर 2:30 वाला ले लो आप बता मून ऑल थिंग इज नियर टू अस सो वी ओपन फॉर मून 3700 meter hög från mer än det. Ja, bhai sahab hamare saath hi chade hain. Saansein ikatthi kar rahe hain sabhi log. Phir darshan karenge. Aur wo dekhiye. Yahan se full Himalaya. Hello. Video kaka? Matlab wo badal. Video kaka? Aur bhi hum badalon ke upar. Aur niche Bogyal jo aapko dikha hi raha tha. देखिए और यहाँ पे श्री तुंगनाथ का मंदिर है, वो बाद में दिखाएंगे। और तो हम जूते उतारेंगे और बैग भी पता नहीं नीचे देखते हैं कहीं रखते हैं सब कुछ, फिर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी थोड़ी सांसें इकट्ठी कर लें, अभी सुबह भी फरसा मिला लेते हैं आंदनी यार सैन इसका गो इन टेम्पल इन समलिंग पोगोर सो वेल जय बाबा तुंगनाथ। तो हमारी परिक्रमा चल रही है, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि जल्दी कोई नहीं है। देखिए आसमान में बादल आ चुके हैं थोड़े, अब दिखाई धुंधला दे रहा है लेकिन हम है ही बादलों में, तो इतनी ऊंचाई में तो फिर यही ऐसे होगा, लेकिन दर्शन अच्छे हो रहे हैं। वो देखिए यहाँ से पूरे तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। और श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग श्रद्धा के साथ बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ पे आते हैं। ये भाई साहब पहले भी हमको रास्ते मिले, देखिए। और यह पंच केदार यहाँ पे भी हैं, देखिए पंच केदारों की बनी हुई है, यहाँ पे माथा टेक सकते हैं। और ये भैरव बाबा का ये मंदिर है वो है, और भैरव बाबा हर जगह विराजमान रहते हैं, यहाँ शिव होते हैं, शक्ति होती है, तो भैरव बाबा वहाँ हमेशा रहते हैं। और ये माँ पार्वती का मंदिर है, ये आप फिल्म कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ये देखिए अंदर ही अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये माँ पार्वती का मंदिर है और वो पूरे दर्शन देखिए अंदर माँ पार्वती के दर्शन की मूर्ति अंदर से। जय माँ पार्वती शिवपुरे। और ये गणेश जी बैठे हैं मंदिर के बाहर, उनकी पूजा भी की है। और जयंती आ गई है। और यस इसका
सुबह हम पंडित जी से मिलेंगे। देखिए ये शेर, जो माँ का शेर होता है वो पहली बार देख रहे हैं मंदिर के ऊपर में, और ये माँ का शेर है जो शिव मंदिर के ऊपर में विराजमान है, लेकिन ये ऐसा नॉर्मल होता नहीं है। और ये सब तुंगनाथ में है। तो ऊपर देखिए पहाड़, बाबा की यहाँ पे उत्पत्ति हुई, खुद स्वयंभू हैं। अभी हम पंडित जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमारी पूजा करवाई है, बहुत अच्छी तरह से पूजा हो चुकी है। अब ये बताएंगे यहाँ के बारे में जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज गौरी तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ पवन श्री तुंगनाथ प्रभो तुंगम अंचल संस्थितो सततम पूर्या सदा मंगलम। भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में यहाँ पर जो यहाँ की कथा है कि हम सब लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ उसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई, और 18 अक्षौणी सेना मैंने एक अक्षौणी सेना में 2,00,000 से भी ऊपर केवल जो योद्धा होते हैं, ऐसे जो पैदल और जो रथ छत्र चामर जो उस समय की जो है व्यवस्था रही होगी, ऐसा 18 अक्षौणी सेना मारी गई। और इस 18 अक्षौणी सेना में हम सब लोग जानते हैं कि पांडवों के कौरवों के जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य जी मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए। ऐसे ही जब ये सारा कौरव वंश जो नष्ट हुआ, इससे पांडवों को जब एक गोत्र श्राप और ब्रह्म श्राप लगा, इस ब्रह्म श्राप के मुक्ति के लिए पांडवों ने यहाँ इसमें आए, हिमालय क्षेत्र में आए। और भगवान, क्योंकि भोलेनाथ कोई भी इस विश्व में ऐसा नहीं था जो उस श्राप से उनको मुक्ति दे सके, भगवान भोले के शरणों में आए। और यहाँ पर जैसे ही आए तो गुप्तवास ले लिया, गुप्त काशी स्थान है, वहाँ से आगे केदार है। केदार में जो है यहाँ पर बहुत सारी भैंसें चढ़ती रहती थी, बहुत भैंसों का रूप ले भैंस का रूप ले करके भगवान भोले ने भैंसों के बीच में रहने लगे। इस प्रकार से जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाए तो कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो भीम थे, भीम अपना शरीर को बहुत ऊँचा और बहुत छोटा भी कर सकते थे, ऐसे भीम ने जो है अपनी दोनों अपना शरीर को विशाल काय किया, और वो विशाल काय शरीर जो बनाया तो जो अपने पैरों को जो फैला दिया। ऐसे में भगवान जब भगवान ने देखा तो भगवान जमीन में धंस गए, और जैसे ही जमीन में धंसने लगे तो कहते हैं कि भीम ने जो है उनकी वो भैंस की पूंछ पकड़ी, भगवान भोले का दर्शन हो गया, भोले का स्पर्श हुआ, ऐसे आकाशवाणी हुई कि मेरा यहाँ पर जो है पंच केदार के रूप में 5 स्वयंभू पिंडी स्थापित हो गई हैं, आप इनके दर्शन करो और इस गोत्र श्राप ब्रह्म श्राप से आप मुक्त होंगे। तो जो भगवान का जो मुखमंडल है ये के नेपाल में है, और पंच केदारी के रूप में किष्ट भाग जो स्थापित है वो केदार बाबा के यहाँ केदारनाथ में है, द्वितीय नाभि भाग मनमेश्वर में है, तृतीय भाग भगवान का वक्ष और ये जो पूजा है यहाँ पर भगवान की पूजा होती है, और चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में रौद्र जिनको आंखें कहते हैं वहाँ पर भगवान की पूजा होती है, और कल्पनाथ कल्पेश्वर वहाँ पर जो है जटा की पूजा होती है। ऐसे पंच केदारे करते हुए पांडव यहाँ से स्वर्गारोहिणी को गए, और बद्रीनाथ मोक्ष धाम करते हुए जो भी यात्री आता है वह उसी प्रकार से केदार से होकर के पंच केदारे करके जब भगवान भोले के दर्शन करता है मोक्ष, ये भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है तो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान की ये पंच केदारी के रूप में यहाँ पर स्थित हैं। जय बाबा केदार की, जय बाबा केदार। शुक्रिया पंडित जी। अब देखिए
रघुनाथ बाबा के दर्शन हो गए हैं, पूजा हो गई, काफ़ी अच्छी रही। और ये देखिए, और अब यहाँ से जा रहे हैं हम वापस, तो बाबा के दर्शनों के साथ दिल नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी थकावट उतर गई। और पंडित जी ने बहुत अच्छा पूजा कराया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब आज्ञा लेते हैं तुंगनाथ जी से। जय बाबा तुंगनाथ, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले।